नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की रिमांड पर हाकम सिंह ने उगले कई रात, जल्द होगी बड़ी गिरफ्तारियां। उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज रोग ने पसारे पैर, सरकार ने पशुओं के परिवहन पर लगाई रोक। रामनगर के गर्जा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सिंचाई विभाग ने मांगा 4 करोड़ का बजट। बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम घोषित, कुर्की की तैयारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ हाकम से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि हाकम सिंह ने पुलिस रिमांड में कई अहम राज खोले हैं। इसके साथ ही पूछताछ में हाकम के साथ उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक नकल माफियाओं के गठजोड़ के लोगों की भी पहचान हुई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश बिजनौर के कोर्ट में सरेंडर करने वाले केंद्रपाल पर एसटीएफ का सिकंजा कसना तय है। उधर हाकम गैंग से जुड़े उत्तरकाशी जनपद से भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के कई दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में वीडियो वीपीडीओ भर्ती घोटालों पर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है। बात है, बड़ा भारी जख्म है, उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है। जिस बात के लिए राज्य बनाया गया, कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है इस राज्य की हत्या करने के लिए इस नौकरियों में जो भ्रष्टाचार प्रारंभ किया है, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं वो लोग उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं, उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। इन्हें जो नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार बन पाया है, ये हाकम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सारे भाजपा के लोगों का सम्मिलित आशीर्वाद ऐसा लगता है कि हाकम सिंह के सर पर है। वो ही नेता है ही नहीं उनका जिसका फोटो उसके साथ नहीं है। वो जो भी कदम निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ होंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि यदि हाईकोर्ट की बेंच और उसके अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, एसटीएफ बनाई जाए, वो जांच करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या सीबीआई कोर्ट के अधीन करे, सीबीआई कोर्ट के अधीन काम करे तो वो जांच पुख्ता होगी। लेकिन हम यदि इनको भरोसा जिस पर है, हम पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो दूध का इसमें जो है जितने दोषी लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे रखें। 6 साल के अंदर भर्तियां नहीं की भाजपा ने, अब जब दबाव बढ़ गया, भर्तियां करना मजबूरी हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भर्तियों को रोकने के लिए ये जानबूझ करके सब षड्यंत्र करवाया गया हो। तो इसलिए भर्तियां जारी रहनी चाहिए, मगर भर्तियां निष्पक्ष हों, भर्तियां जो है बिना किसी स्वास्थ्य साफ सुथरी हों, ये सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य। देश के कई राज्यों के बाद अब उत्तराखंड में भी लंपी स्किन डिजीज तेजी से पैर पसार रहा है। तेजी से फैल रहे इस डिजीज ने पशुपालन विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में गाय और भैंसों में लंपी त्वचा रोग के लगातार पैर पसारने से चिंता भी बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए शासन ने राज्य में पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में 10 किलोमीटर परिधि से दूर के क्षेत्र को डिसीज फ्री जोन घोषित किया गया है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 70,000 वैक्सीन डोज को मंगाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन की मांग की है, ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से शुरू की जा सके। हरिद्वार जिले में और देहरादून जिले में 2 जगह ये केसेस सामने आए हैं लंपी स्किन डिजीज के। तो हमने कोशिश करी है कि 30,000 वैक्सीन हमने बोर्डपॉक्स वैक्सीन हमने मंगवाई है, उसको हमने बॉर्डर एरियाज जितने भी हमारे हैं जिले जो यूपी के साथ लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, देहरादून, इन तीनों में हम बॉर्डर एरियाज पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर चुके हैं। कुछ हमारे वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही थी क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है बोर्डपॉक्स वैक्सीन की। तो मैंने जब अभी केंद्रीय मंत्री माननीय रूपाला जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे 1.5 करोड़ वैक्सीन की एक डिमांड करी है कि केंद्र हमको वैक्सीन प्रोवाइड करने में मदद करे, और 40,000 वैक्सीन हमको और उपलब्ध हो गई है।
धीरे धीरे करके जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी हम उसको पूरे प्रदेश में गोडबॉस वैक्सीन जो है हटाने वाले हैं। तो सैनिटाइजेशन ड्राइव जहाँ पे भी ये डिजीज़ फैल रही है लंबी स्किन डिजीज़, उसमें हम लोगों ने नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों से निवेदन किया है डीएम के द्वारा कि आप उसको सैनिटेशन ड्राइव करा दीजिए। दूसरा वहाँ पर हमने एक दो जोन बना दिए हैं, एक हमारा है जो स्टरलाइज जोन है जो 1 किलोमीटर का होगा और एक हमारा इन्फेक्टेड जोन होगा जो 10 किलोमीटर का होगा, सर्वेलेंस जोन 10 किलोमीटर का होगा। उसको हम लोग लगातार हमारे CVOs हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं जिस जगह पे फैल रही ताकि वहाँ से एनिमल्स इधर की आवाजाही ना हो पाए। तीसरा कल हमने एक सर्कुलर निकाला है, ट्रांसपोर्टेशन पे बैन किया है एनिमल्स के, जो स्टेट से दूसरे स्टेटों से यहाँ पर एनिमल्स आ रहे हैं, हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। बीते दिनों पौड़ी जिले के अमकेश्वर में भारी तबाही देखने को मिली जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। इसी कड़ी में अमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्हें रास्ते में विकट परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नई नदी पार करते समय रेणु बिष्ट गिर गई, जिन्हें उनके साथ चल रहे अन्य लोगों ने थाम लिया। अपने निरीक्षण के दौरान रेणु बिष्ट ने अमकेश्वर के आपदा प्रभावित अरोली, अमगांव और अमाड़ी कली गाँव में नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुभाष रोड स्थित होटल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बैंकों को भी अपेक्षित सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्रेडिट जमा अनुपात कम होना चिंता का विषय है, इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। एक हजार की जो बैठक है ये प्रत्येक 3 माह में होती है, इसमें हम समीक्षा करते हैं सरकार की, हमारी बहुत सारी योजनाएँ जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजनाएँ, सोने की योजनाएँ, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है, उसमें कितना अब तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है। और अभी तक जो इस वर्ष का समय है उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बनाएँ और ज़्यादा हम उसमें प्रगति करें और अधिक लोगों को लाभान्वित करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि सभी जो हमारे वेंडर से लेकर छोटे से छोटे से लेकर बड़े उद्योग समूह तक वो देश की जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई है उस इकोनॉमी में योगदान दें, उसमें हमारे बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए बैंक के लोगों से हमने कहा वह इस दिशा में केवल फॉर्मल होके नहीं, औपचारिकताओं के अलावा भी थोड़ा आगे बढ़ते और जहाँ पर कमी है, रिजेक्शन जो काम हो जाते हैं वो क्यों होते हैं और सभी का फॉर्मेट एक जैसा हो, सभी बैंक और हमारा शासन सरकार हम मिलकर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, उसके कैंप लगाए हैं और ब्लॉक स्तर पर भी इस समिति को एक्टिव किया जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी प्रस्ताव इसको लेकर तैयार किया जाए, उसको आकलन उसका आकलन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मत है कि अपने समय में जो आपदा आई है या पहले भी आपदा आई है तो उसमें हम राज्य की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार की तो उसमें एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के आधार पर ही सहायता मिलती है, हम राज्य के स्तर पर देखें महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से देखते हैं उसको ठीक से कर भी करेंगे। अभी उसका रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था, पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। सीएम साहब, एक परीक्षा से जुड़ा मसला है कि पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच कर रही है, बाकी जो 8 परीक्षाएं होनी है और जो परीक्षाएं हुई थी उसका क्या स्टेटस है, युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो,
इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरे हमने बड़ी बैठक की है, उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जाँच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएँ हैं वो लगाई जाएँ और भविष्य में जो परीक्षाएँ होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे कि किसी भी परीक्षा होने वाली परीक्षाओं में विलम्ब न हो, इसलिए सारे पहलुओं का ध्यान रखते हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को, हमारी बेटियों को, बेटों को इसमें उनको विलम्ब न हो। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के बैनर तले पूर्व विधायक विजयपाल सजवान के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कल यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक भर्ती घोटाले और सहकारिता विभाग, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य सभी भर्ती घोटालों पर राज्यपाल से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तमाम कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में बस अड्डे पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और सरकार का पुतला दहन किया, साथ ही जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया और मांग की कि विगत समय उत्तराखंड में ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पेपर लीक करवाकर भारी धनराशि लेकर अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवाई गई है। इस प्रकरण में राजनेताओं और अधिकारियों के फोटो सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े के आरोपी हाकम सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, साथ ही मामले के तार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी जुड़े होने के कारण निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। हम सब लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आजकल भर्तियां करी गई उन भर्तियों में जिस दरकार जिस ढंग से उनमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस ढंग से इन भर्तियों में माफियों के द्वारा नकल करवाने का जो फर्जीवाड़ा सामने आया और जिसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एसटीएफ को दी गई है, निश्चित तौर पर हम एसटीएफ की जांच से संतुष्ट हैं। हम लोग उनके जो उन्हें त्वरित गहराई से जो कार्रवाई की और जो छोटी मछलियों को उन्होंने पकड़ा उसके लिए उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस बड़े जो आज उत्तराखंड के जो बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी आज मांग करती है कि इस बड़े भर्ती घोटाले में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी हम सीबीआई से मांग करते हैं, क्योंकि इस घोटाले में इसकी जो भर्ती का जो इसका जो घोटालों का जो जाल है वो लगे हुए जिले उत्तर लगे हुए प्रदेश से भी इस पर कुछ मामला प्रकाश में आया, तो निश्चित तौर पर एसटीएफ के पास सीमित साधन कहीं दबाव में ना आए कि जिस ढंग से लग रहा है कि बड़े बड़े इन नकल माफियाओं का, पेपर लीक माफियाओं को जो है बड़े नेताओं का या कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, तो इस पर हम चाहते हैं कि हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो ताकि इसका इस पर जो है निष्पक्ष जांच होगा और उत्तराखंड के शिक्षित रोजगारों के अंदर एक विश्वास हो सरकार के प्रति और कि जो भी भर्तियां होंगी उससे जो है निष्पक्षता से होगी, आयोग के भी जो सदस्य जो भर्ती जो आयोग का को भी निष्पक्ष होकर जांच। स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी एक खास खबर आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित हुए 37वें नेत्रदान पखवाड़े में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल की किताबें तो बांटी ही, वहीं निदेशक एनएचएम सरोज नथानी को एमडी एनएचएम राजेश कुमार का नाम तक सही से पता नहीं था। उन्होंने संबोधन में राकेश कुमार कहा, जिसे खुद राजेश कुमार ने सही करते हुए कहा कि मेरा नाम राजेश कुमार है। अब इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। कल प्रेस को संबोधित करते हुए खटीमा विधायक भुवन कापड़ी द्वारा कहा गया कि निरंतर सीबीआई की जांच की मांग को न मानकर और भर्तियां निरस्त करके मुख्य अपराधियों को बचाने का कृत्य सरकार द्वारा किया गया है, जब प्रदेश में युवा और विपक्ष निरंतर मांग कर रहा है कि चयन आयोग की सभी भर्तियों की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, जिससे कि जो इन भर्ती प्रकरणों में सफेदपोश ऊंचे पदों पर बैठे लोग लिप्त हैं उनको कठोर दंड मिल सके, इसलिए विपक्ष द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच की मांग को न मानकर प्रदेश के युवाओं के भविष्य से न्याय नहीं कर रही है। लगातार प्रदेश के युवाओं की, विपक्ष की और प्रदेश की आवाम की आवाज़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीबीआई जांच कराई जाए। सरकार अगर युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, देवभूमि के साथ न्याय करना चाहती है और अपराधियों को के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? सरकार इस मामले में लीपापोती शुरू कर रही है। सरकार का ये निर्णय सीबीआई जांच न कराना हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है और जिन युवाओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेहनती युवा है, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार सीबीआई जांच तुरंत कराए।
लक्सर के मुतकबाद गांव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण कर एसडीएम ने दस्तावेज का मिलान न मिलने पर दुकान को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के मुतकबाद में ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार और राशन का सही वितरण न करने पर लक्सर उपजिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम ने गाँव में पहुंचकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें डीलर के दस्तावेज मांगे गए, जो डीलर दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसी को लेकर लक्सर उपजिलाधिकारी ने दुकान को सीज कर दस्तावेज के साथ राशन डीलर का जवाब तलब किया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा और जनता के साथ उनके द्वारा सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने शिकायती प्राप्त पत्र दिया था, उसका संज्ञान लेते हुए मौके पर गए। तो मौके पर जो डीलर था उसके लड़के ने दुकान खोली, लेकिन जब उससे पंजिकाएँ मांगी गई तो उन्होंने कहा कि डीलर उपलब्ध नहीं है। बाद में डीलर वहाँ पर उपलब्ध हुआ, लेकिन पंजिकाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई। पंजिका उपलब्ध न कराने पर दुकान को सीज किया गया है और पंजिकाएं मंगाई गई है, उसको जांच करने के बाद यदि अनियमितताएं पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रेषित करते हुए उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों की भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जाँच सीबीआई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में कराए जाने, साथ ही उत्तराखंड राज्य के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों THR का भुगतान कराए जाने की मांग की है। जो कॉपरेटिव में भर्ती घोटाला है, उसको आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने चर्चा विस्तार से उसमें बातचीत की है, और जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेक्चरर भर्ती घोटाला हुआ है, उस पर भी चर्चा हुई। उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो अपराधियों को पकड़ा जाना और जो छवि खराब हुई है प्रदेश की और हमारे इंस्टीट्यूट की, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ में बच्चों के जो भविष्य के संग खिलवाड़ हुआ है, लोगों ने मेहनत की है और कई कई साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, उसके बावजूद सिलेक्शन के बाद उनके संग जो अन्याय हुआ है, उन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और आदरणीय राज्यपाल महोदय ने आवश्यक कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है महिलाओं का, उसके साथ जो मंत्री जी का व्यवहार है, उस विषय पर विस्तार से बात हुई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों को कमज़ोर करने की साजिश महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार कर रही है। SHG ग्रुप्स का 10 महीने से 11 महीने से पेमेंट्स नहीं हुए हैं। एक बार ई टेंडरिंग करके बड़े लोगों को मदद करने की कोशिश की और सेल्फ हेल्प ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो मंत्री जी ने की थी, उसका विरोध जब सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया तो उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के निर्देश पर वो टेंडर्स कैंसिल हुए और उसका बदला लेने के लिए मंत्रिमंडल ने, मंत्रियों ने जो है इनकी भुगतान रोक दिया। पिछले 9-10 महीने से भुगतान नहीं हुए, एक एक SHG ग्रुप जो है 50 लाख से 1-1 करोड़ तक के कर्जे में इस समय है। जो मसूरी देहरादून मार्ग पर सरेआम शराब पीने और सोशल मीडिया पर पुलिस को ललकारने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बॉबी कटारिया ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है। अब DGP अशोक कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए देहरादून SSP को बॉबी कटारिया के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई और 25,000 का इनाम घोषित करने के आदेश दिए हैं, ताकि बॉबी कटारिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूती के साथ कसा जा सके। कोटद्वार में नगर निगम द्वारा हाल ही में व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस जारी किए, जिसके विरोध में व्यापारियों ने एक दिन पूरे कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे। वहीं नगर निगम ने जिन व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया, उनके खिलाफ राजस्व वसूली के लिए RC काट दी। इसी राजस्व वसूली से नाराज व्यापारियों ने नगर आयुक्त का घेराव किया, वहीं नगर आयुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। ट्रेड लाइसेंस जमा न करने के कारण हमने कुछ जो बड़े बड़े जिसपे ट्रेड लाइसेंस बकाया थे उनकी एक RC निकाली है। करीबन हमारा 85 लोग थे, उसमें से शायद 5-6 लोगों ने जमा भी कर दिया, और मैं सभी व्यापारी बंधुओं से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, वो अपना ट्रेड लाइसेंस यथाशीघ्र जमा कराएं और लाइसेंस शुल्क हमारे यहाँ से लाइसेंस जारी करवाएं। इसके पीछे तो हमने एक नोटिस जारी भी किया था, उनको नोटिस में ये लिखा भी था कि RC काटी जाएगी अगर आपने 15 दिन के अंतर्गत जमा नहीं किया रहे तो। प्रश्न ढूंढने के लिए हम लोग बोर्ड में एक प्रस्ताव रख रहे हैं, बोर्ड से देखिएगा क्या प्रस्ताव हो रहा है। दी बात, ये जो सारा मसला हो रहा है ये पार्टीबाजी का मसला है। कोई मुझसे पूछे, मैं क्योंकि इसमें सब जगह उपलब्ध रहा हूँ। जब ये बाजार टूटा तब ये कहा गया कि बाजार के लोगों ने, व्यापारियों ने BJP को वोट नहीं दी टूटने दो। प्रतिनिधियों से मिले, उन्होंने कहा कि कोर्ट का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों ने दुकानों को या मकानों को टूटने से बचा दिया है।
उसका भी सबको सर्वविदित है कोर्ट द्वार वालों को। और ऐसे ही ये जो ट्रेड लाइसेंस का मामला आया है, इसमें अगर जो नगर निगम में कांग्रेस की मेयर बैठी हैं तो वो कहती है ये सरकार ने लगाया है व्यापारियों से, और अगर जो हम जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं विधायक या किसी के पास, वो कहते हैं जी ये मेयर का मामला है। अब व्यापारी इन दोनों चीज़ों में फंस के पिस व्यापारी रहा है, जेब उसी की ढीली हो रही है, बाकी किसी की नहीं हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब है चाहे इसमें नगर निगम की महापौर की कमी हो या किसी जनप्रतिनिधि की कमी हो, अगर जो हमें उचित वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो हम सड़क पे, चाहे वो मेयर हो, चाहे हमारी लोकल विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सरकार हो, हम उसके मुर्दाबाद के नारे सड़क पे लगाएंगे, पुतले भी फूकेंगे हम किसी भी तरह से। इसलिए आज भी हमने किसी की मुर्दाबाद नहीं करी है, नगर निगम मुर्दाबाद ही कहा है। आगे से हमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाने ही पड़ेंगे जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी गंगोली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला है। भाजपा प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार बैरीनाग पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में प्रदेश मंत्री मीना गंगोला का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पार्टी काम करने वालों को हमेशा अनदेखी नहीं करती है, कहीं ना कहीं उन पर पार्टी के नज़र होती है। आज जो मुझे पूरे प्रदेश में मंत्री पद दे करके काम करने का सौभाग्य मिला है, और मैं पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगी और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करूंगी। रामनगर के गर्जिया देवी मंदिर के टीले में समय के साथ साथ बरसातों और बाढ़ के चलते कई जगह दरारें आ गई हैं। गर्जिया देवी मंदिर हमेशा से ही रामनगर का आस्था का केंद्र स्थल रहा है, लेकिन बीते लंबे समय से टीले में आ रही दरारों ने अधिकारियों और पुजारियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सिंचाई विभाग ने अब मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ का बजट शासन से मांगा है। वहीं प्रस्ताव पास होने तक मंदिर को त्रिपाल की मदद से ढक कर रखा गया है ताकि टीले की मिट्टी का कटाव न हो। मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने आते ही गर्जिया मंदिर का निरीक्षण सबसे पहले किया। इसके बारे में विभाग बहुत गंभीर है। हमने एक योजना लगभग 2,53,00,000 की बनाई थी, जिसको जब देहरादून हमने भेजा तो उन्होंने इसको संशोधित करने के लिए कहा, उस विस्तृत बनाने के लिए कहा गया, तो हमने फिर वो 4,54,00,000 की एक योजना बनाई जो TAC में पुटअप करी गई अभी 20 दिन पहले। उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़े से संशोधन बताए, तो अभी एक कंसल्टेंट हमारे जो जिन्होंने बलिया नाला का कंसल्टेंसी दे के जिन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है, उन्हीं को हम कंसल्ट कर रहे हैं, और लगभग ऐसा समझता हूं मैं 10 से 15 दिन के अंदर योजना वो हमारे पास तैयार होकर आ जाएगी। उसके बाद हम उस पर अपना प्राकलन बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे, और जैसे ही धन आवंटन होता है तो उसमें कार्य करा दिया जाएगा। फिलहाल तत्कालिक तौर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे कि मंदिर के चारों तरफ कुछ तिरपाल लगा के उसको ढक दिया जाए, जिससे कि सीधे तौर पर जो बारिश से होने वाला कटान है उससे मंदिर की सुरक्षा की जाए। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे निवेदन किया था जब मैं गया था दौरे में लगभग 4 महीने पहले, 5-6 महीने हो गए होंगे इस बात को, मैं 2-3 बार गया, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें जो भक्तों की संख्या है लगभग हमारी 80-82 पेड़ियाँ हैं, वो उस पर लगभग हम एक पूरी जब भरा रहता है वो रास्ता चढ़ाई वाला रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा था ये भक्तों की संख्या 50 कर दी जाए तो इससे लोड जो है कम हो जाएगा। हालांकि वो अभी तक वो नहीं कर पाए, उसको अपने क्रियान्वित नहीं कर पाए। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपका उनसे संपर्क हो तो आप हमारा ये संदेश उन तक किसी तरह पहुंचाएं कि इसमें जो है मंदिर की सुरक्षा के लिए ये उचित रहेगा, सुरक्षा की वजह से, क्योंकि टीला पहले ही इतना वो कमज़ोर हो चुका है कि हम उसको चारों तरफ से उसकी योजना जो बना रहे हैं, हम चारों तरफ से सुदृढ़ीकरण करने का हम योजना बना रहे हैं। और ये काफ़ी समय से यहाँ पर मांग थी यहाँ पर मंदिर के जीर्णोद्धार की, कई वर्षों बाद इसमें कई अभी थोड़ा गुंजाइश मिल आ रही है संघ की, ये काम शुरू हो जाएगा। तो अभी बीच में यहाँ पे सर्वे विभाग के अधिकारी वगैरह आए थे, जीप इंजीनियर वगैरह यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे अक्टूबर नवंबर से काम शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी है और शासन को प्रस्ताव भेजा है, तो संभवतः अक्टूबर नवंबर से काम शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल उन्होंने कहा इसको बरसात से बचाने के लिए, जो उसके मंदिर के अंदर टीले के अंदर पानी ना जाए, तो फिलहाल उन्होंने 2 महीने के लिए इसमें तिरपाल लगा दिया है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर से इसमें जो पक्का काम निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के दुग्ध संघों के हाल ये हैं कि कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। अधिकारियों को तो समय से वेतन मिल जाता है, लेकिन छोटे कर्मचारियों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। टीरी दुग्ध संघ में कर्मचारियों को 4 साल 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इस समय यहां कार्यरत 10 नियमित, 4 PRD और 4 उपनल कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी सुंदर सिंह नेगी यहां 1 हफ्ते से अनशन पर बैठे हुए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने बताया कि संबंध में खुद विभागीय मंत्री ने संज्ञान लिया है। इनके वेतन भुगतान को लेकर अभी फाइल शासन में है, इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगने की संभावना है। 22 तारीख से हड़ताल पे गए हैं। तो हड़ताल की वजह क्या आपकी? हड़ताल की वजह ये है कि हमें जो है 50 माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण से हम लोग पूरे कर्मचारी त्रस्त है, लेकिन हमारे बच्चे भी और हमारा परिवार भी भूख मरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक का कि हम लोगों ने जो अपना घरवाली का जो जेवर था वो भी हमने बैंक में गिरवी डाला है, उसके भी नोटिस आ रहे हैं, उसकी किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम क्या करें भाई, लास्ट में ये हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है कि हम लास्ट में हमें जो है ये अनशन में बैठना पड़ा है। लेकिन हमने सरकार से कई बार वार्ता भी करी है और उसके बाद आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद भी 1 महीने के बाद हमने इंतजार किया है, तब जाके हम लोगों की अब हिम्मत टूट चुकी थी। अब एक ही चारा था हमारे पास कि अब हम अनशन पर बैठना शुरू कर देंगे। बाकी सरकार अभी तक नहीं जाग रही है, नहीं सुन रही है, और जितने भी हमारे स्टाफ है सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब जो हम अनशन में बैठे हैं ये मजबूरी पे बैठे हैं, हमें तो शौक थोड़ी कि हम अनशन में बैठे हैं, लेकिन अब हम एकदम ये भी नहीं चाह रहे कि काम प्रभावित हो या किसी प्रकार का संस्था को नुकसान हो, हम वो भी नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कर्मांग भाई हम जो है हड़ताल पर बैठेंगे, जिससे सरकार को ये लगे कि भाई इनका काम भी चल रहा है, और कोई भी स्टाफ या कर्मचारी अपने हाथ में कानून नहीं लेगा। अगर बाई चांस इस प्रकार की स्थितियाँ आती है कि यदि हमारी सुनवाई नहीं होगी है तो उसके 1 तारीख के बाद 1 सितंबर के बाद हम किसी भी हद पार कर देंगे, ये हमारा जो है। दिल्ली NCR में रह रहे उत्तराखंडी प्रवासियों की सामाजिक संस्था डोटल गांव सेवा समिति दिल्ली के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड सदन चाणक्यपुरी दिल्ली में भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उन्हें अपनी ग्राम सभा डोटल गांव की मूलभूत समस्याओं, सड़क पानी के साथ साथ ब्लॉक द्वारा हट अंतर्गत बासुली सेरा प्राथमिक अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर हालत से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि ग्राम सभा टोटल गांव की सड़क का निर्माण 2015 और 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन विभाग की उपेक्षा के कारण उक्त मार्ग आज तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाया है। इस मार्ग पर एक निर्माणाधीन आधी अधूरी पुलिया भी ठेकेदार की मनमर्जी का शिकार है। इस पुलिया से आगे के मार्ग की हालत काफी दयनीय है। ग्रामवासियों में इस बात को लेकर काफी रोष है। उनका कहना है कि वर्तमान विधायक और जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी इस ओर अपनी आंखें मूंद ली है। वहीं पानी की अवस्था पर भी ग्रामवासी संबंधित विभागों से काफी नाराज है। जिस पानी की नई लाइन को बिछाए हुए मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था, वो लाइन पहली बारिश में ही बह गई। अब हालात ये है कि हर बारिश में ये लाइन बह जाती है और फिर ग्रामवासियों को यहां आकर खुद इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना जल जीवन मिशन के तहत हुआ उक्त कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्राम सभा टोटल गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के स्थानांतरण पर भी कई बार ग्राम प्रधान और शिक्षक संबंधित विभागों को पत्र लिख चुके हैं, पर आज तक उक्त समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद बागेश्वर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के असंतुष्ट SC ST और OBC के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रण कर्ता नैनीताल पर अंक तालिका पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति का पुतला फूंका है। प्रकरण चल रहा है, इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका बयान यहाँ पर आना चाहिए था कि इस तरीके से गड़बड़ियाँ नहीं होनी है। कल मैं देख रहा हूँ कल से ये पूरे मीडिया पे चल रहा है, अभी तक हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है, केवल उनको अपना जो चुनावी जो स्टैंड जब चुनाव का समय आता है उस समय वो सही रहते हैं, बाकी और टाइम पर उनको जनता के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारी जो मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से और राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्द इन अंक तालिकाओं को ठीक करके जो भी हमारे भाई बहन जिनकी गलतियाँ हुई है उनके जो कापी है वो दोबारा चेक कर सही मूल्यांकन कर उनको नंबर दें। दो तीन दिन पहले BA BSc और BCOM के जो थर्ड ईयर के छात्र छात्राएँ हैं उनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है, उनके 0 इस प्रकार के मार्क्स उसमें आ रखे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है, जैसे कि आप जानते हैं उनके जैसे आप दूर दराज क्षेत्र के कहीं छात्र छात्राएं यहाँ पे रहती हैं,
बड़ी मुश्किल से वो अपना यहाँ पे दिन गुजार रहे हैं, तो उनके घर वालों का भी उन पर प्रेशर होता है कि कब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसी समराओं को लेकर वो भी उन्हें भी दिक्कत होती है। और जैसे एक दो दिन पहले उनका परिणाम घोषित हुआ तो 0 इस प्रकार के मार्क्स देखने पर उन्हें भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो देखो। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर क्षेत्र के बंधा नंबर 3 पर सलीमपुर निवासी अताउर रहमान को 19 अगस्त अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बाइक, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली रानीपुर पुलिस और एसओजी ने एक टीम का गठन किया था। गठित की गई टीम के द्वारा थाना रानीपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा अथक प्रयासों के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 12 बोर का देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। लूट और गोली मारने का घटना आई थी जिसमें बाइक को लूट लिया गया था, मोबाइल को भी ले लिया गया था और जो पीड़ित है उसको पैर में गोली मारी गई थी। इस सूचना पे पुलिस तत्काल वहां पे पहुंची और जनपद के अन्य थानों को भी अलर्ट कर दिया गया था और एक्टिवली पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया था। जो लुटेरे थे वो बाइक को सिटकुल में एक सुनसान जगह पर खड़ी कर दिए थे और उनका मोटिव यह था कि अभी पुलिस चेकिंग कर रही है, चेकिंग जब बंद हो जाएगी तो उसके बाद वो बाइक को लेके जाएंगे। लेकिन पुलिस के जो कांस्टेबल थे वो उस सुनसान लोकेशन पे खड़ी बाइक को देख के वहाँ पे पहुँचे, उसको जब तस्दीक किए तो ये वही बाइक निकली जो लूटी गई थी। तत्काल उसको बरामद किया गया, उसके बाद आसपास से CCTV फुटेज ली गई और अन्य टेक्निकल माध्यम से फिर एक टीम का गठन किया गया जिसमें SOG भी सम्मिलित थी और 24 तारीख को जो संदिग्ध थे उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया। 3 व्यक्ति थे, राहुल कश्यप, गोल्डी सिंह और प्रयास मीणा। राहुल कश्यप और गोल्डी सिंह ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं, प्रयास मीणा राजस्थान का रहने वाला है। रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक बने बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने हरिद्वार चिड़ियापुर के रेस्क्यू सेंटर से भी एक सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की टीम बुलाई है। अब कॉर्बेट के एक्सपर्टों के साथ ही ये दोनों टीमें बाघ को ट्रैकुलाइज करेंगी। आपको बता दें कि रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना के 38 से ज्यादा दिन बाद भी बाघ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। देखिए, पिछले करीब 1 महीने से हम लोग लगातार टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया है जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस भी है। तो अब 2 टीम इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे रेस्क्यू कर लें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।